पड़े होंगे। छोड़ो यार चम्मच चम्मच। कनपुरिया बन गए हमारे वेजी पाजी। ये कानपुर के सबसे बड़े वाले बताशे हैं। इनको किसी से पूछ रहा था तो किसी ने बताया इनको मामा जी बोलते हैं। समझते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। कैसे बना रहे थे अंगारे से, इतना मजा आ रहा था ना, देखते भी लग रहा था कि कोई तगड़ी चीज़ है। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी। और ना यूपी को बोलते हैं चाट कैपिटल ऑफ इंडिया, और अभी हम लोग कानपुर में हैं। आपको दिखा रहे हैं अलग अलग टाइप की चाट और चटपटे शाम के जायके। दिन की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत टेक्निकली कर रहे हैं हम लोग द चाट से, स्वरूप नगर से। यहाँ से लेंगे बास्केट चाट, फिर खाएंगे इतने बड़े वाले गोलगप्पे, और फिर खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मज़ा बरकरार रहेगा, ये गारंटीड है। आ जाओ। यूपी की ना चाट तो अलग है, यूपी की चटनियों की कोई ना बात नहीं है। इसमें आलू की टिकिया डाल, पहले दो टिकिया जाएगा इसमें, पूरा भर भर के बनेगा। कितने जन? दो जन मिलके खाते होंगे। हाँ अकेले खाएंगे, पूरा डिनर है। पूरा डिनर है। ये मटर पड़ा फिर इसमें, मटर पकौड़ी, पकौड़ी पड़ी। आपका क्या नाम है? पापड़ी। अरे द चाट लिखो। हाँ द चाट, ये त्रिकोण वाली पापड़ी थी। हाँ ये पापड़ी, वो पालक पत्ता भी आएगा उसमें। हाँ पालक पत्ता चाट भी डालें। तो लॉन्ग लपेटा कहते हैं ना, चार पांच का मिक्सचर है, अभी तो और आएगा इसके अंदर। काजू भी पड़ा, इसको मसालों से घेरा जाएगा। मिर्चा पड़ेगी। हाँ कानपुर में इसको ये धनिया चटनी को कड़वा बोलते हैं ना। हाँ कड़वी होती है। कड़वी 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 कड़वी। हाँ अच्छा, इसमें फ्रूट्स भी पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट भी पड़ेंगे, फ्रूट भी पड़ेंगे। आपको कितने समय हो गया चाट बनाते हुए? हमको हो गया 40 साल से। हाँ काफ़ी लग रहा है, आपका हाथ ऐसे चल रहा है ना फट फट फट। और दुकान को कितना समय हो गया? दुकान को कितना समय हो गया? 40 साल हो गया। अच्छा लीजिए, ये लग चुकी है। धन्यवाद काका, टेस्ट करते हैं, आ जाओ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये देखो, ये बास्केट है, एक लच्छा टोकरी है, इसके अंदर इन्होंने आलू की टिकिया डाली, पकौड़ी डाली, पालक पत्ता डाला, ये आलू डाला धनिया वाला, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू डाले हुए हैं, एक्चुअल में फ्रूट्स डाले हुए हैं। कितनी लोडेड लग रही है, 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। आई थिंक वेरी वेरी सफिशेंट फॉर टू पीपल। कहाँ से इसको खाएंगे, मैसी हो जाएगी ये। थोड़ा खाने में मैसी है ना। हाँ मैसी है, और वही इसकी कला है, वही इसकी आर्ट है कि खाना ऐसे खाओ कि कोई देख नहीं रहा। ये यहाँ का इतना फेमस है कि कोई भी आता है बास्केट चाट खाए बिना नहीं जाता है। ये धनिया वाले आलू इतने स्पाइसी है ना, टेस्टी है, स्पाइसी स्वीट सबका मिक्सचर आ रहा होगा, साथ ही फ्रूट का भी टेस्ट आ रहा होगा, जो अनार दाने पड़े होंगे। छोड़ो यार चम्मच चम्मच। कनपुरिया बन गए हमारे वेजी पाजी। भाई हाथ से खाने में जो मज़ा है ना, वो चम्मच में नहीं है। आप लोगों ने इतना बोला था दो चाट की चाट खानी है, अब समझ आ रहे क्यों। ये धनिया वाले आलू इतने स्पाइसी चटपटे हैं ना, नहीं ये चटपटा नहीं है, ये चटपटा है। कुछ तो था, पूरा कॉम्बिनेशन बन गया एकदम मस्त। ये चीज़ खाया ना तो लगा कि कुछ खाया, फील आ गया भाई। ये चाट बहुत हैवी है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वेरी इजी कि एक बंदा इस पूरी चाट को खा ले और अपना पूरा डिनर बना ले। वाओ, एंड एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मिलते हैं इतने बड़े बड़े गोलगप्पे। कुछ लोग बोलते हैं कि कानपुर के सबसे बड़े वाले पानी के बताशे हैं ये। कौन से? मैं भी पता करता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। गाइस अगली जगह पे आ गए हम लोग, अभी गुमती नंबर 5 में है। मेरे पीछे मेरे आसपास कहीं बसंत टॉकीज है, पूछ पूछ के यहाँ पे पूछ के नहीं बताशे खाने आए, पानी वाले बताशे। देखते हैं क्या है। आई हैव बीन टोल्ड ये कानपुर के सबसे बड़े वाले बताशे हैं। इनको किसी से पूछ रहा था तो किसी ने बताया इनको मामा जी बोलते हैं। समझते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसा सुना है कि बहुत बड़े बताशे होते हैं आपके जी, क्या कारण? कारण थोड़ा सा कलकत्ता पैटर्न है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बड़े ही होते हैं आलू के साथ। ये बताशे हैं या पुचके हैं? पुचके। हाँ
आपका पूरा सेटअप भी पुचके वाला ही है ना? जी जी जी, इस पूरा सेटअप वहीं का है, कलकत्ता का। ये खट्टा पानी है फिर? हाँ, ये खट्टा पानी। तो फिर पुचके लगाइए थोड़े कड़क, जो लगे कि चटपटे खा के पानी आए, वैसा वाला। हाँ, रोना निकले वैसा वाला निकालिए थोड़ा हमारे लिए। अब आपने बोले हैं तो जी जी, क्या बोलते हैं आपको, मामा जी बोलते हैं? जी, मामा बताशे वाले के नाम से ही है। मामा बताशे वाले के? हाँ जी। अच्छा, ये चूरमूर भी थोड़ा हो गया। जी जी, ये साइज है इनका, देख रहे हो। एक कोई होते हैं लोग जो आधा आधा करके खाते हैं? हाँ हाँ, बहुत होते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा अजय गुप्ता। जबरदस्त, कितने क्या? 15 के 5। अच्छा, और एड्रेस क्या पड़ता है? हम तो बसंत टॉकीज पूछ के आए हैं। जी जी, बस एक और दीजिएगा। अच्छा, हाँ बना रहा, बना रहा। भारी है बंदे का, एक प्लेट में पेट भर जाता होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पुचके रहते हैं और चूरमूर वगैरह भी रहता होगा? हाँ, चूरमूर भी है। और क्या है? बस दो ही आइटम, मीठे दही वाले बताशे। और पकौड़ी वाला भी होगा ना? वो हाँ, वो चूरमूर के लिए होता है। अच्छा, वो चूरमूर के लिए। जी जी। भाई साइज देख रहे हो इनका, मैंने मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा बताशा खाया होगा, या खाया होगा तो इंदौर में ही खाया होगा, तो कपड़ा मार्केट के पास। इंदौर वाले लोग बता दो ये भाई कानपुर का, मेरे को तो लग रहा पूरे प्रदेश का बढ़िया गुपचुप नहीं बताशा होगा। मज़ा आ गया। अब चलते हैं यहीं पे गुमती नंबर 5 में, चाइनीज़ खाना खिलाते हैं आपको। इसका एड्रेस क्या पड़ता है? 118/164 गुमती नंबर 5। गुमती नंबर 5 गुरुद्वारे के पास में ही है? गुरुद्वारा सामने पड़ता है। हाँ, क्रॉसिंग उस गुरुद्वारा है। अच्छा, लोग बड़ा बोल रहे थे, हमें बड़ी सजेशन आई थी कि भाई आपका चाइनीज़ ट्राई करना चाहिए। ये मंचूरियन चाउमीन के अंदर ही मिक्स हो रखा है। ये कॉम्बो आपका, ये पहली बार देख रहा हूँ। हेलो भैया, बोले अलग चीज देखने को मिली। क्या प्राइस रहता है इसका? 160। आपका क्या नाम है जी? राजीव आहूजा। ये कैसे ख्याल आया राजीव जी इसको, मतलब ऐसे करने का? वरना आमतौर पे वो मंचूरियन अलग होता है, ये अलग होता है? उसके रेट अलग होते हैं। एक्चुअली किसी को दोनों चीज चाहिए होती है उसके लिए मिक्स। आप क्योंकि बाद में भी तो मिक्स ही करना है, राजमा चावल जैसे हो गया, राजमा अलग से ले लो। इसमें पैसे मतलब लोग मांगते हैं, मंचूरियन अलग से मिल जाए, अलग क्या साथ ही साथ खा लेते दोनों, एक बंदा मान लो खा सकता है। ऊपर से क्या चाउमीन के साथ ग्रेवी लिपट जाती है, उसका भी टेस्ट आता है। एक हनी चिली पटेटो भी बड़ा सुना आपका, ये हनी चिली पटेटो की भी बड़ी तारीफ सुनी है। मेरे को यार चाइनीज खाना ना बड़ा पसंद आता, मतलब या तो शाम को चाट वाट हो जाए, या हम दोस्त वगैरह जाते हैं ना आपस में, तो क्या मन करा खाने का, चाउमीन खा ली, चिली पटेटो खा लिए। कितना टाइम हो गया आपको बनाते हुए? हाँ, कैसे बना रहे हैं ना, लग रहा था कि हाँ भाई कोई तजुर्बे से बना रहा कोई। चलो जी, कौन सा वाला? आई थिंक तुम्हारा तो फेवरेट ही है। सबसे फेवरेट मेरा फेवरेट ही है। चाइनीज़ की ना चीज़ें अपनी अपनी बटी हुई होती हैं। ये कॉम्बिनेशन मेरे को बड़ा सही लगा, मंचूरियन और नूडल, राजमा चावल, जैसे राजमा अलग मिलते हैं, चावल अलग मिलते हैं, और इसमें वो राजमा चावल मिक्स कर दिया। ये बार खा के देखिए, मेरे फेवरेट। एकदम क्रंची होंगे। और कैसे बना रहे थे ना, इसमें कुछ नहीं, कैसे बना रहे थे अंगारे से, इतना मजा आ रहा था ना, देखते भी लग रहा था कि कोई तगड़ी चीज है। लवली, बहुत कम जगह होती है जहाँ पे ना चाइनीज खाना एकदम ऐसा लगता है कि बेसिकली चाइनीज नहीं, इंडो चाइनीज है, देसी चाइनीज है। चाइना में जाके किसी से पूछोगे हनी चिली पटेटो, वो बोलेगा क्या क्या होता है ये? मंचूरियन पूछोगे ना, वो बोलेंगे क्या? तो ये देसी चीजें हैं, ये खाना देसी लोगों के जीप पे जो स्वाद चढ़े हुए हैं उनके लिए बना हुआ है, और उस हिसाब से दिस प्लेस इज लाइक रियली नाइस। गोमती नंबर 5 में हो, गोलगप्पे खाओ, इधर आओ, चाइनीज खाओ, दिन बन जाएगा, शाम बन जाएगी, बहुत टेस्टी है। मतलब एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, चूरियन में हाफ प्लेट होता है, 4 पीस, फुल प्लेट होता है, 10 पीस,
इन्होंने कॉम्बो बनाया है, पीस गिने ही नहीं, देखा था आपने, वो निकाल दिया और उसके बाद जो बचे डाल दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 12 पीसेस डाले हुए हैं, गिने नहीं, खुले दिल से एकदम डाले हुए मंचूरियन के पीसेस। का दिल बहुत बड़ा होता है और ये प्लेट से समझ में आ रहा होगा। इसको ख़त्म करते हैं, मेरे को ना ये ज़्यादा पसंद है, मंचूरियन के पीसेस थोड़े से हार्ड है बट ठीक है चलता है, ये बहुत बढ़िया क्रंची, बिल्कुल इक्वल क्रंची होंगे, पर ये आओ तो यहीं पे बैठ के खाओ, बहुत मजा आएगा। वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाजी भाजी ऐसी बढ़िया बढ़िया खाने की वीडियोस आते रहती है, आपसे मिलेंगे किसी और जगह किसी और शहर में कुछ और बेहतरीन खाना खाते हुए, बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय।